हेलो एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल डिविनिटी टैरोस एक्सपर्ट ट्रूथ ऑलवेज एक्सपोजेस डार्कनेस। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ, बिकॉज हेल्थ इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, करेक्ट? सो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके जिंदगी में ऑब्वियसली आफ्टर दिस न्यू मून ऑन 8 अप्रैल 2024 क्या आने वाला है। काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये न्यू मून के साथ साथ वहाँ पे सबसे बड़ा सोलर इक्लिप्स भी है, तो सूर्य ग्रहण भी है और अमावस्या भी है। उसका डबल इफेक्ट आपके लाइफ के ऊपर कलेक्टिवली जो है वो होके रहता है, चाहे आप इंटेंशनली एनर्जीज जो है वो हमें इफेक्ट करते हैं या डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, बट वी आर डेफिनेटली अफेक्टेड बाई द सेलेस्टियल फोर्सेस। सो क्या है ये? ऑब्वियसली न्यू मून जो है इट्स अ टाइम ऑफ रिन्यूअल एंड ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और दूसरा है सोलर इक्लिप्स, जो हमें ये सिखाता है कि पिछला जो हुआ है हमारे पास्ट में वो अगर प्रोडक्टिव नहीं है सो उसको छोड़कर आप आगे बढ़ो। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडियक साइंस, बिकॉज आफ्टर 8 अप्रैल 2024 व्हाट इज गोइंग टू हैपन फॉर श्योर। यूनिवर्स फॉर गाइड्स प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके जिंदगी में आफ्टर दिस न्यू मून ऑन 8 अप्रैल क्या होने वाला है। व्हाट इज गोइंग टू हैपन आफ्टर 8 अप्रैल 2024 एंड द सोलर इक्लिप्स। इस बार जो है न्यू मून एरीज पर है, बट ये इफेक्ट करेगा सारे साइंस के ऊपर। एरीज इज अ फायरी साइन जो गवर्न होता है प्लैनेट मार्स, दैट इज मंगल के द्वारा, और वो एक फाइटर प्लैनेट है, ठीक है, एग्रेशन है उसके अंदर। वो आपको हमेशा ही ये जो एरीज में है, न्यू मून जो इस बार एरीज में है, वो आपको ये सिखाएगा कि किस तरह से अपने एनर्जीज को आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं खुद के ही द्वारा। सो लेट्स सी, आफ्टर द न्यू मून इन एरीज एंड सोलर इक्लिप्स व्हाट इज गोइंग टू कम टूवर्ड्स यू। ऑलराइट, सो यहाँ पे है डेथ और रीबर्थ। देखा, आज का जो रीडिंग है वो पूरी तरह से फर्स्ट कार्ड में ही कहीं ना कहीं पे रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है। वी डू हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स, वी डू हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, द हाई प्रीस्टेस कार्ड, यहाँ पे है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पे है आपके पास 9 ऑफ वैंड्स, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है क्वीन ऑफ वैंड्स, उसके नीचे है 3 ऑफ कप्स, ठीक है। तो हम इसको भी रख देते हैं और यहाँ पे इसको भी रखते हैं। सो लेट मी अरेंज इट प्रॉपरली ताकि आपके तरफ आप को दिखाई दे सारे कार्ड्स। इसके बाद हम और भी ओरेकल कार्ड्स देखेंगे, डोंट वरी। सो यहाँ पे है टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ कन्या और मकर राशि यहाँ पे है। वी डू हैव एरीज लियो एंड सजिटेरियस, मेष सिंह धनुराशि यहाँ पे है। वी डू हैव एरीज एंड स्कॉर्पियो, मेष और वृश्चिक राशि यहाँ पे है। ओके, वी डू हैव एक्वेरियस जेमिनी एंड लिब्रा, कुंभ मिथुन और तुला राशि यहाँ पे है। कैंसर पिसेस एंड स्कॉर्पियो है 3, 13, 9, 6, 3, 6, 9 यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है। ऊपर से 2, 7, 9 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो हो सकता है आफ्टर 8 अप्रैल यू सी द इमीडिएट इफेक्ट फ्रॉम 9th, ठीक है। सो यहाँ पे उसी तरह से मैं आपको कहना चाहती हूँ। नाउ क्या होने वाला है? मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप ना बहुत टाइम से रियलाइज करने की कोशिश कर रहे हो एंड यू वॉन्ट टू हैव इन डेप्थ नॉलेज, आपको चाहिए, ठीक है, किसी के बारे में आपको जानना हो, कोई विषय में हो सकता है, कोई सब्जेक्ट के बारे में हो कि आपको डीप जानकारी हासिल करना है। एंड आफ्टर द 8th ऑफ अप्रैल या ऑन एंड बिफोर एंड आफ्टर 8 अप्रैल यू विल गेट टू नो दैट कि कौन जो है आपको धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, कौन सच्चाई की तरफ जा रहे हैं और आप कहाँ पे हो, वेयर यू स्टैंड, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि देयर कैन बी इमीडिएट, ओके, लाइक विंड फॉल ऑफ फाइनेंसेस, यहाँ पे फाइनेंशियल कंडीशन आपकी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकता है, स्पेशली पीपल हु आर डूइंग बिजनेस, ठीक है, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक एक्सचेंज, वहाँ पे मुझे दिख रहा है।
जितना आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उसी तरह से आपको जो है रिटर्न सबको मिलेगा, रिटर्न ऑन फिक्स डिपॉजिट्स और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि जैसे डेथ कार्ड इज नोन एज अ ग्रेटेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन टिल नाउ। सो पहले ही शुरुआत हुआ था डेथ कार्ड से, यहाँ पे हमें ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे कुछ चीज़ों को जैसे आप मानते ही हैं, न्यू मून इज ऑलवेज ऑल अबाउट द एंडिंग्स एंड बिगिनिंग्स। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि किसी का यहाँ पे जो एक मुखौटा है, ठीक है, वो तो हट जाएगा ही, लेकिन जब वो मुखौटा हटेगा, ठीक है, तब शायद आपको पता चलेगा कि हु इज़ द जेन्युइन पर्सन एंड हु इज़ अ फेक पर्सन। यू विल डेफिनेटली गेट टू नो एंड यू विल बी रियली सरप्राइज्ड। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि एक टॉक्सिक रिलेशनशिप एंड होने के बाद जैसा कोई एवरग्रीन रिलेशनशिप आपकी ज़िंदगी में छू जाएगा। एंड मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है लाइक अगर आपके कोई स्किन रिलेटेड इश्यूज़ है या अगर आपके कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, सो इट विल बी लाइक ओवर, बी ओवर। एंड आई ऑल्सो डू थिंक सो कि वहाँ पे आपको जो है ना खुशी का ठिकाना ही नहीं रहेगा, बिकॉज यू विल लाइक सेलिब्रेट योर सक्सेस। ठीक है, कुछ लोगों के लिए आपके लॉयल एटीट्यूड, आपकी जो डेडिकेशन है, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो यू विल गेट नोटिस्ड इन द ऑफिस। एक ऑफिस में जो आप काम कर रहे हो, इट विल बी डेफिनेटली नोटिस्ड बाय योर सुपीरियर्स। ठीक है, थ्रू चाहे वो कैमरास के माध्यम से हो, वो खुद आके पर्सनली चेक कर रहे हो, आपके काम को मॉनिटर कर रहे हो, कहीं पे भी हो, इवन अगर आप बॉस है तो आप भी, ठीक है, प्रमोटेड होंगे विद द नेक्स्ट लेवल, ओके, बाय योर ओनर। और अगर आप खुद ही ओनर हैं कंपनी के, अगर आप खुद ही बिजनेस चला रहे हैं, सो यू विल सी लॉट ऑफ, यू कैन से दैट पीपल हु विल बी सपोर्टिंग, जहाँ पे सपोर्ट करेंगे। और मुझे ये भी दिख रहा है जो इतना दिन से, ठीक है, जो आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे, या लैक ऑफ यू कैन से दैट लॉयल्टी और ऑनेस्टी इन द रिलेशनशिप, कहीं ना कहीं पे आपको समझ में आ जाएगा कि ये बंदा या बंदी कैसी है। और आप भी अपने लिए ही एक बाउंड्री उनके लिए सेट कर देंगे कि आपको आना है तो आपको इस टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करना ही पड़ेगा, वरना आप मत आओ। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है अगर आपको कुछ चीज़ों के लिए पैसों का जैसे ज़रूरत था और आप मैनेज नहीं कर पा रहे थे, कुछ तो शॉर्ट वहाँ पे हो रहा था, डेफिसिट हो रहा था फंड्स में, या आपको ऐसा लग रहा था कि अकाउंट सेक्शन अगर आप प्रॉपरली हैंडल कर रहे हो, सो हो सकता है आफ्टर 8 अप्रैल यू गेट टू नो हु इज़ डूइंग फाइनेंशियल डिस्क्रिपेंसी। ठीक है, कुछ फ्रॉड्स हो रहा होगा आपकी कंपनी में, सो वो कौन कर रहे हैं, क्यों हो रहा है, लॉसेस भी क्यों हो रहे हैं, क्या एम्प्लॉयज़ प्रॉपरली डेडिकेटेड नहीं है अपने काम पर। सो एज अ सीनियर ऑल्सो यू विल गेट टू नो दैट। ठीक है, और आपकी वजह से हो सकता है बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल डील्स कंपनी को मिले, उस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट दैट आफ्टर द न्यू मून एंड आफ्टर द सोलर इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स के दौरान कोई भी सर्जरी या कोई भी मेडिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करने चाहिए, बट मे बी सिंस दैट इज एरिया ऑफ साइंस एंड साइंस डज नॉट फॉलो स्पिरिचुअलिटी, बट देर इज ऑलवेज साइंस ऑल्सो, ओके, बिहाइंड स्पिरिचुअलिटी, कि जहाँ पे जब ग्रह एक लाइन पर आ जाते हैं तो ग्रहण जो है होता है सोलर इक्लिप्स, इट हैज़ अ ट्रिमेंडस इफेक्ट ऑन अर्थ, पृथ्वी के ऊपर उसका बहुत ज़्यादा ही भारी मात्रा में, ठीक है, प्रभाव पड़ता है, और उसके मतलब उसके इल इफेक्ट्स भी काफ़ी होते हैं। तो उस दौरान कोई भी नीडल रिलेटेड मतलब सर्जरीज, एनी टाइप ऑफ नाइफ रिलेटेड चीज़ें कुछ नहीं करने चाहिए, स्पेशली ग्रहण के वक्त। और अगर आप पूजा रख सकते हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल लाइक यू नो व्हाट लाइक इफ़ यू कैन डू लाइक रेमेडीज पूजा और समथिंग लाइक दैट, कि जो लोग करते हैं बेसिकली शमशान के वहाँ पे जाके बहुत ज़्यादा तंत्र मंत्र से, वो वहाँ पे जाप होता है, बहुत बड़े सिद्ध पुरुष जो होते हैं, ठीक है, साधु जो होते हैं, वो वहाँ पे जाके करते हैं उसी टाइम पर।
for the manifestation. Okay, it's like that. So let's see. After the 8th of April 2024, after this new moon, what's gonna happen in your life for sure? आपकी जिंदगी में क्या होगा? देखो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड जो हमें दिखाता है वो है जजमेंट. ऑल राइट, वी डू हैव दिस वन हॉर्स कमिंग आउट. तो कोई ब्रेक थ्रू आपको लाइफ में तो जरूर मिलने वाला है गाइस, डेफिनेटली. यहाँ पे देखो किताब 10, द विल ऑफ कर्म. एंड यहाँ पे है इट्स लाइक द एम्परर कार्ड, जहाँ पे आप सिर्फ एक पहलू देख रहे थे, एक साइड को देख रहे थे, आप दोनों साइड को नहीं देख पा रहे थे. जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है लाइक यू विल जस्ट सी फ्रॉम बोथ पॉइंट ऑफ व्यू, टू साइड्स, ठीक है, ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए और आप एनालाइज भी करना ज़्यादा स्टार्ट करेंगे. पहले आप अपने नज़रिए से देख रहे थे उस चीज़ को, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा होगा. बट जब आप लोगों की पॉइंट से देखेंगे, जब आप सब्जेक्टिवली देखेंगे, जब आप ऑब्जेक्टिवली भी देखेंगे, दोनों मिला के देखेंगे. सिर्फ आप सब्जेक्टिवली देख रहे थे, अभी आप ऑब्जेक्टिवली देखना शुरू करोगे, सो आपको पता चल जाएगा दैट वेयर इज योर लेवल एंड वेयर इज अदर्स लेवल. दैट इज अ थिंग. यहाँ पे मुझे इस तरह से भी दिख रहा है जैसे कुछ रेस्ट्रिक्शंस, लिमिटेशंस आपके जिंदगी के ऊपर भारी मात्रा में इम्पैक्ट दे रहा था. मे बी आफ्टर मैरिज यू डिड नॉट गेट टू डू मच मोर हायर एजुकेशन. मे बी ऐसा भी हो सकता है कि आप करना भी चाहते हो लेकिन शायद पेरेंट्स जाने नहीं दे रहे, बाहर नहीं जाना है, इधर नहीं जाना है. सो देर आर रेस्ट्रिक्शंस इन योर लाइफ. यू कुड नॉट रन फास्ट, ठीक है, यू कुड नॉट रन फास्टर. सो बेसिकली मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है दैट विल बी एन एंड टू योर जर्नी, जहाँ पे आप स्लो मूवमेंट हो रहा था, इट वॉज लाइक अ स्नेल मूवमेंट, ठीक है. और आप देखेंगे कि किस तरह से आपके रैपिड ग्रोथ, सिग्निफिकेंट चेंजेस आपके जिंदगी में आते हैं, स्पेशली फॉर एजुकेशन. एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वॉन्टेड टू ट्रैवल बट यू आर नॉट गेटिंग एनी अपॉर्चुनिटीज, आपको कुछ मौका मिल ही नहीं रहा था. जैसे आपको बोला जा रहा था, कमांड्स दिया जा रहा था और आप उसी को फॉलो कर रहे थे, आपका खुद का वजूद है, आप खो बैठे थे, आप खुद से कुछ परफॉर्म कर ही नहीं पा रहे थे. एंड देयर कम्स वेयर द थिंग दैट यू विल फेस इज इक्वालिटी. जैसे सब लोग को मिल रहा है, आप लोग को भी वो प्रिविलेजेस, वो फैसिलिटीज आपको मिल के रहेगा. एंड देयर बाय द विल ऑफ कर्मा सेज दैट जो एक बार अप में था वो डाउन में आएगा ही, और जो डाउन में है वो अप में तो जाएगा ही. सो यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, चाहे आपके धर्म, चाहे आपके मज़हब, कुछ भी क्यों ना हो, यहाँ पे यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट द प्रॉपर जस्टिस, प्रॉपर फेवर, ठीक है, एंड इक्वालिटी. एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम आपको आपका जो है ना कि एक कुछ चीज़ें आपके लाइफ में मिसिंग था, देयर वाज अ गैप, कुछ तो गैप था. सो वो गैप जो है वो फुलफिल होंगे. कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम एनर्जीज, रीयूनियन, ठीक है, रिकन्सिलिएशन. एंड मे बी आपका कुछ इन यू कैन से लाइक टॉक्सिक प्रोडक्ट्स के ऊपर ज़्यादा एडिक्शन हो जाना, या किसी का हो जाना, आपके कोई जान पहचान वाले, तो उसका भी यहाँ पे, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि इसका इल इफेक्ट्स क्या हो सकता है. तो जब वो रियलाइज भी कर लेंगे एंड देन दे विल गेट टू नो ऑल्सो, और आप उनको काफ़ी हद तक हेल्प करेंगे उनको रिकवर करवाने में. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ रीडिंग गाइज. आई होप यू लाइक इट, एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच फॉर बींग विथ मी. लव यू अलॉट, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड